हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शमा अगवान, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द नोट्स ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम फॉलोइंग हेडिंग्स के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। नंबर वन इंट्रोडक्शन, नंबर टू कोर्स, नंबर थ्री ब्लड सप्लाई, नंबर फोर्थ लिम्फेटिक ड्रेनेज, नंबर फिफ्थ नर्व सप्लाई एंड नंबर सिक्स्थ इज अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ ट्रैकिया। फर्स्ट पॉइंट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया और विंड पाइप इज द पेटेंट ट्यूब फॉर पैसेज ऑफ एयर इन एंड आउट फ्रॉम द लंग्स। ट्रैकिया को विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ये लंग्स के अंदर एयर ले जाने के लिए या लंग्स से बाहर एयर लाने के लिए पेटेंट ट्यूब होती है। साइज, ट्रैकिया इज 10 टू 15 सेंटीमीटर इन लेंथ। ट्रैकिया 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। डायमीटर, इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज अबाउट 2 सेंटीमीटर इन मेल्स एंड 1.5 सेंटीमीटर इन फीमेल्स। इसका एक्सटर्नल डायमीटर मेल्स में 2 सेंटीमीटर होता है एंड फीमेल्स में 1.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट इज सिचुएशन, इट इज सिचुएटेड इन द मिड लाइन इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड इन सुपीरियर मीडियास्टिनम। ये मिड लाइन में सिचुएटेड होती है एंड ये नेक के लोअर पार्ट में एंड थोरेक्स में सुपीरियर मीडियास्टिनम में सिचुएटेड होती है। अपर एंड ऑफ ट्रैकिया लाइज एट द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज एट द लेवल ऑफ C6 वर्टिब्रा। ट्रैकिया का अपर एंड C6 वर्टिब्रा के लेवल पर एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज की लोअर बॉर्डर के लेवल पर सिचुएटेड होता है। इट्स अपर एंड इज कंटिन्यूस विद द लोअर एंड ऑफ द लैरिंग्स। इसका अपर एंड कंटिन्यूस होकर लैरिंग्स का लोअर एंड बनाता है एंड इट्स लोअर एंड एंड्स बाय डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई एंड इसका लोअर एंड डिवाइड होकर राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई बनाता है। इट्स लोअर एंड इज डेविएटेड स्लाइटली टू द राइट। ट्रैकिया मीडियन पोजीशन पर सिचुएटेड होती है बट इसका लोअर एंड थोड़ा सा राइट साइड में डेविएटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया इज ए नॉन कोलैप्सिबल ट्यूब। इट इज कीप्ड पेटेंट बाय द प्रेजेंस ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ट्रैकिया नॉन कोलैप्सिबल ट्यूब है, ये कोलैप्स नहीं होती है एंड सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स की वजह से ये पेटेंट रहती है। दिस रिंग्स आर 16 to 20 नंबर। ये रिंग्स 16 से 20 नंबर में होते हैं। दिस रिंग्स मेक्स द ट्यूब कॉन्वेक्स एंटीरोलेटरली। दे आर डिफिशियंट पोस्टीरियरली एंड इस रिंग्स की वजह से ये ट्यूब एंटीरोलेटरली कॉन्वेक्स होती है एंड ये रिंग्स पोस्टीरियरली डिफिशियंट होते हैं। पोस्टीरियरली ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड ट्रैकियलिस मसल। ये रिंग्स पोस्टीरियरली एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ट्रैकिया पोस्टीरियरली फाइब्रस टिश्यू एंड ट्रैकियलिस मसल की बनी होती है। इट्स ल्यूमेन इज लाइंड बाय सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम। इसका ल्यूमेन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम सेल का बना होता है एंड कंटेन्स मेनी म्यूकस एंड सीरस ग्लैंड्स एंड उसमें म्यूकस और सीरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है क्योंकि ये लंग्स के अंदर एयर ले जाने के लिए और लंग्स से एयर को बाहर लाने के लिए पेटेंट ट्यूब होती है। ये 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है एंड इसका अपर एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज या C6 वर्टिब्रा के लेवल पर सिचुएटेड होता है। इसका लोअर एंड सुपीरियर मीडियास्टिनम में सिचुएटेड होता है एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस में डिवाइड होकर एंड हो जाता है। ट्रैकिया मीडियन पोजीशन पर सिचुएटेड होती है बट इसका लोअर एंड हर्ट की वजह से स्लाइडली राइट साइड में डेविएटेड होता है। ये नॉन कोलैप्सिबल ट्यूब होती है क्योंकि इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिंग्स 16 to 20 नंबर्स में होते हैं बट ये पोस्टीरियरली डिफिशियंट होते हैं। ट्रैकिया का अपर एंड कंटिन्यूस होकर लैरिंग्स का लोअर एंड बनाता है एंड इसका लोअर एंड डिवाइड होकर लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस बनाता है। ट्रैकिया का एक्सटर्नल डायमीटर मेल्स में 2 सेंटीमीटर होता है एंड फीमेल्स में 1.5 सेंटीमीटर होता है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैकिया। सेकेंड पॉइंट इज द कोर्स ऑफ ट्रैकिया। इट्स कोर्स इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। ट्रैकिया के कोर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सर्वाइकल पार्ट एंड सेकेंड इज थोरेसिक पार्ट। ट्रैकिया का वो पार्ट जो कि नेक में प्रेजेंट होता है उसे सर्वाइकल पार्ट कहते हैं और ट्रैकिया का वो पार्ट जो कि थोरेक्स में प्रेजेंट होता है उसे थोरेसिक पार्ट कहते हैं। नाउ वी एक्सप्लेन दिस पार्ट्स। फर्स्ट इज सर्वाइकल पार्ट। द ट्रैकिया बिगिंस एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रा C6 एट द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज।
ट्रेकिया C6 वर्टिब्रा के लेवल पर या क्रिकोइड कार्टिलेज की लोअर बॉर्डर के लेवल पर स्टार्ट होती है। इट रन्स डाउनवर्ड एंड स्लाइटली बैकवर्ड इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस। यहाँ से ये डाउनवर्ड जाती है एंड स्लाइटली बैकवर्ड जाती है, बट ये ईसोफेगस के फ्रंट में सिचुएटेड होती है। एंड फॉलोज द कर्वेचर ऑफ द स्पाइन एंड एंटर्स द थोरेक्स इन द मीडियन प्लेन। एंड ये स्पाइन के कर्वेचर को फॉलो करती है एंड थोरेक्स में मीडियन प्लेन में एंटर करती है। सो दिस इज द सर्वाइकल पार्ट ऑफ ट्रैकिया। नाउ आई शो यू द रिलेशंस ऑफ सर्वाइकल पार्ट ऑफ ट्रैकिया। सर्वाइकल पार्ट के इंटीरियरली फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं। इस्थमस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, इन्फीरियर थायरॉयड वेन्स, प्री ट्रैकियल फेशिया, स्टर्नोहायोइड मसल, स्टर्नोथायरॉयड मसल, डीप सर्वाइकल फेशिया, स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया एंड सुप्रा एक्सटर्नल स्पेस। ये स्ट्रक्चर्स ट्रैकिया के सर्वाइकल पार्ट के इंटीरियरली सिचुएटेड होते हैं। सेकेंड इज पोस्टीरियर रिलेशंस। वो स्ट्रक्चर्स जो कि सर्वाइकल पार्ट के पोस्टीरियरली सिचुएटेड होते हैं वो हैं ईसोफेगस, लॉन्गस कोलाई मसल एंड रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। एंड ऑन ईस्ट साइड ट्रैकिया के सर्वाइकल पार्ट के दोनों साइड में लोब्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी सिचुएटेड होती है। सो दिस आर द रिलेशंस ऑफ सर्वाइकल पार्ट ऑफ ट्रैकिया। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ नेक वेयर यू कैन इजीली सी द सर्वाइकल पार्ट ऑफ ट्रैकिया। दिस इज द सर्वाइकल पार्ट ऑफ ट्रैकिया। दिस आर द इंटीरियर रिलेशंस ऑफ सर्वाइकल पार्ट। दिस आर द पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ सर्वाइकल पार्ट एंड दिस आर द लेटरल रिलेशंस ऑफ सर्वाइकल पार्ट। नाउ आई डिस्क्राइब दिस रिलेशंस इन डिटेल्स। इसके इंटीरियरली स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, रिमेन्स ऑफ थाइमस ग्लैंड, सुप्रा एक्सटर्नल स्पेस, स्टर्नोहायोइड मसल, ओमोहायोइड मसल, स्टर्नोथायरॉयड मसल एंड इस्थमस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड सिचुएटेड होता है। दिस आर द इंटीरियर रिलेशंस। इसके पोस्टीरियरली ईसोफेगस एंड लॉन्गस कोलाई मसल सिचुएटेड होती है। दिस आर द पोस्टीरियर रिलेशंस। एंड इसके दोनों साइड्स में लोब्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी सिचुएटेड होती है। लेट्स सी, दिस इज द लोब ऑफ थायरॉयड ग्लैंड एंड दिस इज द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। दिस आर द लेटरल रिलेशंस एंड दिस आर द रिलेशंस ऑफ सर्वाइकल पार्ट ऑफ ट्रेकिया। सेकेंड पार्ट इज द थोरेसिक पार्ट। इन द थोरेक्स द ट्रेकिया लाइज इन द सुपीरियर मीडियास्टिनम। थोरेक्स में ट्रेकिया सुपीरियर मीडियास्टिनम में सिचुएटेड होती है एंड इट एंड्स बाय बाइफर्केटिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ 6 थोरेसिक वर्टिब्रा इन द लिविंग सब्जेक्ट्स। एंड लिविंग सब्जेक्ट्स में ये 6 थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई में बाइफर्केट होती है एंड एंड हो जाती है। नाउ आई शो यू द रिलेशंस ऑफ थोरेसिक पार्ट। फर्स्ट एंटीरियरली वो स्ट्रक्चर्स जो कि थोरेसिक पार्ट ऑफ ट्रैकिया के एंटीरियरली सिचुएटेड होते हैं वो हैं मैन्यूब्रियम स्टर्नाई, स्टर्नोथायरॉयड मसल, रिमेन्स ऑफ द थाइमस ग्लैंड, लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन, इन्फीरियर थायरॉयड वेन, एओर्टिक आर्च, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, डीप कार्डियक प्लेक्सस एंड लिम्फ नोड्स। दिस स्ट्रक्चर्स आर सिचुएटेड anteriorly in the thoracic part of trachea. Second is posteriorly, वो structures जो कि thoracic part के posteriorly situated होते हैं वो हैं esophagus and vertebral column. On right side, trachea के thoracic part के right side में following structures situated होते हैं right lung, right pleura, right vagus nerve and azygous vein. And on the left side, trachea के thoracic part के left side में following structures situated होते हैं आर्च ऑफ एओर्टा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। सो दिस आर द रिलेशंस ऑफ थोरेसिक पार्ट ऑफ ट्रैकिया। दिस इज द डायग्राम ऑफ इनलेट ऑफ थोरेक्स। दिस इज द ट्रैकिया। दिस इज द थोरेसिक पार्ट ऑफ ट्रैकिया। दिस आर द इंटीरियर रिलेशंस ऑफ थोरेसिक पार्ट। दिस आर पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ थोरेसिक पार्ट। दिस आर राइट साइडेड रिलेशंस एंड दिस आर लेफ्ट साइडेड रिलेशंस ऑफ थोरेसिक पार्ट ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के थोरेसिक पार्ट के इंटीरियरली मैन्यूब्रियम स्टर्नाई, दिस इज द मैन्यूब्रियम स्टर्नाई, स्टर्नोहायोइड मसल, स्टर्नोथायरॉयड मसल, दिस इज द रिमेन्स ऑफ थाइमस ग्लैंड, दिस आर द इन्फीरियर थायरॉयड वेन्स एंड एओर्टिक आर्च,
कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, डीप कार्डियक प्लेक्सस एंड कुछ लिम्फ नोड सिचुएटेड होते हैं। दिस आर द इंटीरियर रिलेशंस ऑफ थोरेसिक पार्ट ऑफ ट्रेकिया। इसके पोस्टीरियर साइड में ईसोफेगस एंड वर्टिब्रल कॉलम सिचुएटेड होता है। दिस आर द पोस्टीरियर रिलेशंस। इसके राइट साइड में राइट लंग, राइट प्लूरा, राइट वेगस नर्व एंड अजाइगस वेन सिचुएटेड होती है। एंड इसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग, लेफ्ट प्लूरा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व सिचुएटेड होती है। दिस आर द लेफ्ट साइडेड रिलेशंस एंड दिस आर द रिलेशंस ऑफ थोरेसिक पार्ट ऑफ ट्रेकिया। थर्ड पॉइंट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया के ब्लड सप्लाई को हम दो पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट इज आर्टीरियल सप्लाई एंड सेकेंड इज वीनस ड्रेनेज। फर्स्ट आर्टीरियल सप्लाई, ट्रेकिया को इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है। सेकेंड इज वीनस ड्रेनेज, ट्रेकिया का वीनस ब्लड लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन में ड्रेन होता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज लिम्फेटिक ड्रेनेज, ट्रेकिया का लिम्फ फॉलोइंग लिम्फ नोड्स में ड्रेन होता है। प्री ट्रेकियल नोड्स एंड पैरा ट्रेकियल नोड्स। सो दिस आर द ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ट्रेकिया। फिफ्थ पॉइंट इज द नर्व सप्लाई। इसको दो तरह का नर्व सप्लाई होता है। फर्स्ट इज पैरासिम्पैथेटिक एंड सेकेंड इज सिंपैथेटिक। फर्स्ट इज पैरासिम्पैथेटिक, दे आर सेंसरी एंड सिक्रीटो मोटर टू म्यूकस मेम्ब्रेन एंड मोटर टू ट्रेकियलिस मसल। ये म्यूकस मेम्ब्रेन को सेंसरी एंड सिक्रीटो मोटर फाइबर सप्लाई करते हैं एंड ट्रेकियलिस मसल को मोटर फाइबर सप्लाई करते हैं। एंड दे सप्लाई थ्रू वेगस एंड रिकरेंट लेरिंजियल नर्व्स। एंड ये वेगस नर्व एंड रिकरेंट लेरिंजियल नर्व्स के थ्रू सप्लाई करते हैं। सेकेंड इज सिंपैथेटिक, दे आर सिक्रीटो मोटर, दे सप्लाई फ्रॉम मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन। ये सिक्रीटो मोटर फाइबर सप्लाई करते हैं एंड ये मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन के थ्रू अपना नर्व सप्लाई करते हैं। सो दिस इज द नर्व सप्लाई ऑफ ट्रेकिया। सिक्स्थ पॉइंट इज द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ ट्रेकिया। द ट्रेकिया इज पाल्पेटेड इन द सुप्रा एक्सटर्नल नोच, इट लाइज इन द मीडियन पोजिशन। ट्रेकिया को पाल्पेट करने के लिए सुप्रा एक्सटर्नल नोच की जगह पर इसको पाल्पेट किया जा सकता है। यहाँ पर ये मीडियन पोजिशन में प्रेजेंट होती है। इन रेडियोग्राफ्स ट्रेकिया इज सीन एज ए वर्टिकल ट्रांसल्यूसेंट शेडो इन फ्रंट ऑफ सर्वाइकोथोरेसिक स्पाइन। एक्सरे में ट्रेकिया को सर्वाइकोथोरेसिक स्पाइन के आगे एक वर्टिकल ट्रांसल्यूसेंट शेडो के रूप में देखा जा सकता है। ट्रेकिया कैन बी कंप्रेस्ड बाय पैथोलॉजिकल इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड, थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड्स एंड एओर्टिक आर्च, विच कैन कॉज डिस्निया, इरिटेटिव कफ एंड हस्की वॉइस। ट्रेकिया थायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड या लिम्फ नोड्स के पैथोलॉजिकल इनलार्जमेंट की वजह से या एओर्टिक आर्च की वजह से कंप्रेस हो सकती है। एंड इसके कंप्रेशन से डिस्निया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इरिटेटिव कफ या हस्की वॉइस जैसी कंप्लेंस हो सकती है। ट्रेकियोस्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर डन इन केस ऑफ ब्लॉकेज ऑफ एयर पाथवे, एग्जाम्पल फॉरेन बॉडी, डिप्थीरिया एंड कार्सिनोमा एक्सेट्रा। ट्रेकियोस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि एयर पाथवे के ब्लॉकेज के केस में किया जा सकता है। एयर पाथवे का ब्लॉकेज किसी फॉरेन बॉडी की वजह से, डिप्थीरिया की वजह से या कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है। सो दिस इज द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ ट्रेकिया। So, these all were the details of trachea. Thank you so much guys for watching my video. अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड एनाटॉमी के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।